समग्र शिक्षा सिद्धिपीठ तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल बगीचा 2 का 11वां पाठ साहसी सुनीता पृष्ठ संख्या 59 से 63 तक पाठ 11 साहसी सुनीता पृष्ठ संख्या 60। सुनीता घास लेकर घर जा रही थी, उसके साथ माँ भी थी। रास्ते में रेल की पटरी थी, वहां से रेलगाड़ी के निकलने का समय हो गया था। सुनीता और उसकी माँ पटरी के पास रुक गई। तभी सुनीता की नजर रेल की पटरी पर पड़ी। उसे वह पटरी टूटी हुई लगी। सुनीता की माँ पटरी देखकर बोली, यह पटरी तो टूटी हुई है। दोनों इधर उधर देखने लगी। रेलवे स्टेशन भी वहां से दूर था। पृष्ठ संख्या 61। तभी सुनीता ने रेलगाड़ी को आते देखा। वह होने वाली दुर्घटना को सोचकर कांप उठी। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने सुन रखा था कि सड़क पर लाल रंग की बत्ती को देखकर वाहन रुक जाते हैं। वह पटरी के पास जाकर अपनी लाल रंग की ओढ़नी लहराने लगी। माँ भी दोनों हाथ उठाकर रुकने का संकेत करने लगी। गाड़ी चालक ने लाल कपड़े को लहराता और गाड़ी रोकने का संकेत देखकर सोचा, जरूर कोई गड़बड़ है। उसने गाड़ी की चाल धीमी कर दी। थोड़ी दूर पर गाड़ी रुक गई। गाड़ी चालक, गार्ड तथा कुछ लोग सुनीता और उसकी माँ के पास आए। सुनीता ने उन्हें टूटी हुई पटरी दिखाई। पटरी को देखकर चालक ने कहा, सुनीता की सूझबूझ से हजारों जानें बच गईं। सभी यात्रियों ने दोनों के साहस की प्रशंसा की। सुनीता को इसी साहसी कार्य के लिए 26 जनवरी को भारत सरकार की ओर से पुरस्कार दिया गया।